हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जय माता जी, जय सोमनाथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं अभी अभी बस उठा हूँ और मितांश भी अभी उठ चुका है। तो आज का काम हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपको आगे दिखाएंगे। तो पहले मैं कर लेता हूँ नाश्ता एंड इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी आया हुआ हूँ जो हमारा खेत है वहाँ पे, जहाँ पे हमने लगाए हुए थे उड़ीद। तो उस खेत में हमने जुताई कर दी है, या तो कल्टीवेशन अभी कर दिया है। एक बार कल्टीवेशन कर लिया है, अभी दूसरी बार भी कल्टीवेशन आज करना है। और अभी हमारे वीडियो भी कम आ रहे हैं, क्योंकि जो हम इतना ज़्यादा काम बढ़ चुका था कि वीडियो करना टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक साथ जो काम हमें नहीं करने थे वो भी हमें काम करना पड़ा था, क्योंकि जो उड़ीद थे उनको तो हमने दो तीन बार इधर किए उधर किए, कितनी बार हमने इनको ट्रांसफ़र किया और फिर बड़ा सा ढेर बनाया, फिर उनका खोला। ऐसे टाइम इसमें भी दो तीन दिन के चार दिन उसमें वेस्ट हो चुके थे। और दूसरा जो हमारे बनाना में भी जो ज़्यादातर गिर पड़ हुई थी, तो उसमें भी अभी क्लीनिंग करना होगा, क्योंकि अभी इसमें जाना है तो कहाँ से जाए। जो अभी में भी अभी कटिंग एक बार हुआ है, लेकिन उसमें से लूंगर लेके जो बाहर निकालना है तो वो कैसे निकाले, उसमें भी हमने क्लीन अभी थोड़ा बहुत कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पापा ने जो हमारा खेत में जो उड़ीद हमने लगाए थे वो वाले खेत में अभी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा सा ढेर, ये ढेर है हमारे उड़ीद का, वो हमने अभी बेच दिया है। तो इनका अभी होगा जो माप होगा, जो तोल माप होगा या वेट होगा या वज़न होगा, तो ये आप देख सकते हो। तो ये कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जो भरा हुआ है वो 20 केजी का अभी जो वज़न है वेट है वो भरा हुआ है। इसमें जो कम या ज़्यादा होगा तो उनको निकाल लेंगे, उनको पूरा 20 केजी करना होगा। तो ऐसे ही हम अभी जल्दी जल्दी हमारा जो टोल है वो ख़त्म करेंगे एंड इसके बाद आगे वीडियो देखिए। हम पहुंच चुके हैं हमारे जो दूसरा घर है वहाँ पर, गोपी। और हमारी गोपी के पास कितने टाइम के बाद आज हम गोपी से मिले। हेलो गोपी, गोपी को खाना दे दो, खा गई गोपी। गोपी अब खाना सीख चुकी है। हम कितने टाइम के बाद आज मिले हैं हमारी गोपी से, कितनी बड़ी हो चुकी है मिता है। देखो कितनी बड़ी हो चुकी है, अब तो ये बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हेल्दी, ये हेल्दी भी हो चुकी है, क्योंकि अब उन्होंने खाना भी अभी अच्छी तरह से स्टार्ट कर दिया है। तो ये अब जल्द से जल्द बड़ी हो जाएगी। वो अभी खाना खा रही है। तो अब मैं और रियान और हमारे साथ मम्मी, हम सब जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ वर्कर्स आए हुए हैं जो हमारा कोकोनट फार्म है वहाँ पे क्लीन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि साइक्लोन के बाद हमने यहाँ पे, चल नीचे उतरो, मैं थक चुका हूँ पूरा। साइक्लोन के बाद हमने यहाँ पे क्लीन नहीं किया हुआ था, क्योंकि हमारे जो दूसरा खेत है सब उसमें तैयारियाँ करनी होती। तो बने रहे हमारे साथ। तो अब मैं जा रहा हूँ वेरावल शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कितने टाइम के बाद अभी लॉकडाउन खुला है, तो 2 बजे तक अभी शहर हमारा खुला रहता है, तो ज़्यादा शॉपिंग करनी है।
तो अभी मैं जाऊंगा, अकेला ही जाऊंगा, जल्दी जल्दी जाऊंगा और फिर वापस जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं वापस आ चुका हूँ शॉपिंग करके, इतना ढेर सारा लिया है, बस तो फुल शॉपिंग करके अब फिर से मैं वापस घर आ चुका हूँ। रियान टूट जाएगा वो, तो लेकर चला गया। तो अभी मैं शॉपिंग करके घर आ चुका हूँ और इतने ढेर सारे मैंने साबुन लिए हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ खेल रहे हैं मितांश और उनकी आंटी दोनों, वो दोनों कुछ बना रहे हैं, तो क्या बनाएंगे। आज मैं जो पूरा ये साबुन का बॉक्स ले आया, तो उनसे मितांश को रिया कब से खेल रहे तो इतना बड़ा सा इन्होंने एक दोनों के साइज, तुम्हारी साइज से अभी छोटा है, तो ये दोनों अभी खेल रहे हैं। मैं ले आया हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने पट्टी इनको शायद ऐसा ही कुछ बोला, और ये भी है, तो ये मैं ले आया हूँ जो हमारे बनाना के पौध जो अभी जो झुक चुके हैं या बेंट हो चुके हैं, इसके लिए मैं ये ले लाया हूँ, क्योंकि इनके ये रस्सी के द्वारा हम उनको खींच लेंगे और दूसरे जो बनाना है उनका जो थड होता है जो नीचे का भाग, वहाँ पे हम इनको बांध देंगे, तो ये अच्छी तरह से बन जाएगा और जो बेंट हुआ है वो भी नहीं होगा और गिरेगा भी नहीं अब बनाना। और दूसरा ये कि हम जो हम अगर टेके लगाएंगे तो वो भी बहुत ही महंगे हो चुके हैं, क्योंकि एक टेके की जो बम्बू आता है उनका जो प्राइस जो मैं हमने पूछा हुआ था, तो एक टेके का कीमत होता है 50 रुपये, तो ये बहुत ही महंगा हो जाएगा इस साल, क्योंकि ज़्यादा गिर पड़ भी हुई है, और अभी 50 रुपये का जो हम टेका लेंगे तो अब हम उसमें से जो मुनाफा है वो कितना कमाएंगे, तो इसलिए ये मैं रस्सी लेकर आया हुआ हूँ, ये शायद 10-12 रुपये में हो जाएगा, तो ऐसा मुझे उम्मीद है। अभी ट्राई करने वाले हैं, तीन बंसी ले आया हूँ, और दूसरा मैं ले आया हूँ, ये आप देख सकते हो बड़ा सा 5 लीटर है ये पूरा, ये है लिक्विड सोप या बर्तन बांधने के लिए लिक्विड है, तो ये भी मैं पूरा 5 लीटर ही लेकर आया हूँ। तो अब कितने दिनों तक, महीनों तक ये चलेगा। और ये क्या है रियान तुम्हारे हाथों में, और रियान का शैम्पू भी अभी ख़त्म हो चुका था, तो वो भी मैं लेकर आया हूँ। तो आज ज़्यादा शॉपिंग कर ली है मैंने, और भी है, और क्या है। तो यहाँ पे चल रही है मितांश और रियान की कुछ गेम, मुझे भी समझ में नहीं आता ये क्या खेल रहे हैं ये दोनों, आज कितने टाइम के बाद आज खिलौने से खेल रहे हैं। बाकी तो क्या है कि वो क्रिकेट और एक साथ तो शायद ही कभी कभी खेलते हैं। तो रियान वो दो दोस्त सनग्लासेस लेके बैठा हुआ है, और ट्रैक्टर छोटे छोटे जो ट्रैक्टर है, हम किसानों के जो उनके बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर जो खिलौना होता है वो हमारे किसानों के जो काम आता है ट्रैक्टर, वो ऑलमोस्ट सबके घरों में हमारे यहाँ तो होता ही है। तो ये दोनों की अभी चल रही है कुछ मस्ती। हेलो रियान, हाय शिवाजी द बॉस, डॉन। तो यहाँ पे हमारा रियान डॉन अभी पे मितांश उनका ट्रैक्टर लेके जो कुछ इसमें कल्टीवेशन कर रहा है, जुताई कर रहा है कुछ। इन्होंने पीछे देख सकते हो आप, इंस्ट्रूमेंट कुछ लगाया हुआ है उनसे, ये पूरे खेत की जुताई कर रहा है। अब जो जुताई कर रहा है या कल्टीवेशन कर रहा था वो सब हो चुका है,
तो उनका जो गोडाउन है उसमें इन्होंने ये सब स्टोर कर दिया है, छोड़ दिया है। ट्रैक्टर भी अभी छोड़ दिया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग कितने सारे जो जितने भी औजार है उनके ट्रैक्टर के, वो सब यहाँ पे इन्होंने रख दिया है। यहाँ पे मम्मी हमारे खाने की तैयारी अभी हो रही है, तो सब यहाँ पे ले लिया है खाने के लिए। अभी हम थोड़ी देर में अभी खाने वाले हैं। ये हमारा झग्गा डोन, रियान डोन। वाह वाह वाह, सब कुछ अभी रेडी है। तो मुनि अभी बना रही है रोटला या रोटली। आज शू बनावे माँ, रोटला के रोटली है रोटला, तो फ्रेश फ्रेश रोटला। ये यहाँ पे मुनि अभी बना रही है फ्रेश फ्रेश बाजरी का रोटला या बाजरी की रोटी, दोनों बोल सकते हैं। हम ज़्यादातर बाजरी का रोटला ही बोलते हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे एक बन के रेडी है और दूसरा अभी बन रहा है, तो बस अभी खाने के लिए रेडी हो जाएगा, तो हम खाने के लिए बैठ जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट कर दें, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी।